ये देखो, ये क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और वीडियो पॉज करके सॉल्व करें। टू ए सिलेंड्रिकल ट्यूब स्प्रे है, पंप हैज रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, इस टाइप का एक स्प्रे है जो पानी स्प्रे कर रहा है, ठीक है, फेंक रहा है, और उसके बाद एन फाइन होल्स हैं, उसमें जो होल्स हैं छोटे छोटे दूसरे एंड पे वो एन है। इच ऑफ रेडियस आर, इफ द स्पीड ऑफ लिक्विड इन ट्यूब इज कैपिटल बी, द स्पीड ऑफ इजेक्शन ऑफ द लिक्विड थ्रू द होल्स, होल्स का स्पीड से जो लिक्विड बाहर आ रही है उसको हमें निकालना है। ध्यान देना, अब मैं यहाँ पे पाइप बनाता हूँ, सिलेंड्रिकल पाइप बनाता हूँ। ये रहा मेरा सिलेंड्रिकल पाइप, इसमें से फ्लूड ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है, जिसकी स्पीड कैपिटल भी दिया हुआ है बाय द कॉन्सेप्ट। अब इसकी जो रेडियस है, दैट इज कैपिटल आर, ऐसा दिया जा रहा है, ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ दूसरे एंड पे बहुत छोटे छोटे इस तरह से एन होल बने हुए हैं, ठीक है। तो एक होल से जो फ्लूइड बाहर आ रही है उसकी स्पीड मान लो वी है, जो कि हमें कैलकुलेशन करना है भाई, ठीक है। एक होल से जितनी एक होल की रेडियस स्मॉल आर ले लो, इस तरह से एन होल है दूसरे एंड पे, क्लियर है। तो इस तरह से पानी बाहर आ रहा होगा हर होल से, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें आपको पता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगेगा। हम सबको पता है कि अगर मास का एक्सचेंज नहीं होता, मास आता नहीं है, मास जाता नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसे आप पढ़े होंगे कि ये, ठीक है, ये ट्यूब है, इसमें से लिक्विड इधर से आई, इसमें लिक्विड इधर से आई, ठीक है। तो ये यहाँ से लिक्विड कितनी जा रही है, इस पॉइंट और इस पॉइंट का, इस पॉइंट और इस पॉइंट की जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और स्पीड का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट रहता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और स्पीड का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। चलो, यहाँ पे कॉन्स्टेंट नहीं होगा यार, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यहाँ का ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे कंजर्व नहीं करा सकते, ठीक है, बिकॉज यहाँ से एंट्री हो गई है मास का, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, इसमें तो एक ही है तो आसान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पे और इस पे दोनों पे मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा दूँ। एक बार यहाँ लगा देता हूँ, तो अगर मैं यहाँ लगाता हूँ तो यहाँ की स्पीड भी है, यहाँ की रेडियस आर है, और यहाँ की स्पीड स्मॉल भी है और रेडियस स्मॉल, रेडियस नहीं, एरिया क्रॉस सेक्शन ही है ना, तो पाई आर स्क्वायर, एरिया क्रॉस सेक्शन, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और इस तरह से एन होल है तो एन से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका मतलब ये है स्पीड भी इज इक्वल टू कैपिटल भी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई ने पाई को इज इक्वल टू एन स्मॉल स्क्वायर। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन, ए बी कैपिटल बी, ये इसका फाइनल सोल्यूशन है। तो भी आर स्क्वायर एन पाई आर स्क्वायर।